वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु साहब जी की पावन गुरबाणी दे पाठ प्रबोध 14 हो रहे ने। सारिया संगत गुरु का खालसा, ध्यान देन दा जतन करो जी। हाँ जी, 15 तक हो चुका है ते 16 शुरू होना है जी। सारे ध्यान देन दा जतन करो जी। वाहिगुरु साहिब जी बिसुन पाद सारंग छपै छंद, नवल नाथ निर्वाण सुबुद्ध दायक मंगलकार, काल विनाशन रहत काल सुत दायक नरहर। हां जी, मंगलकार नरहर ये पाठ कठे ने तो कठे रखने ने। नरहर नरहरी दा नाम है, इस तरह ये अर्थ भी समझी जाना, अर्था ना पाठ की शुद्धता भी करी जानी है जी। करुणा नित है सो कृपाल, कल्प वृक्ष जा की छाया सो नाथ निरंजन नरहरी। हाँ जी, ये भी नरहरी इकट्ठा ही कर लेना, ये पाठ ठीक है जी। सब जगत सहाया माया बाप जग माहे, दुख हरता सब जगत की जिस सुनियत दुख जाहे, जस पूरन हर लक्ष्मी दोहेरा नरक निवारन जगत गुर, मोहन सकल संसार रिजक देन सब जगत को, जस पूरन भंडार शबै छंद अग कंदन भव हरन, जोग ज्वाला छत्री ब्रित धर्म तुजा फर हरत, धर्म मूरत धर्मा कृत असी पान असकेत, खड़ग तुज धर्म धनुर धर अकाल मूरत अनभव प्रकाश, अमित तोज अटल बार निहकलंक निर्बान, अबचल स्वरूप अनभव जुगत निराकार निर्व्याद, मदन मूरत विद्या सुपत छपै छंद, नवतन नवल किशोर अमरगत जाकी बानी अत सुंदर छाप। बानी खालसा जी, पाठ पोले रखना बानी। नवतन नवल किशोर अमरगत जाकी बानी अत सुंदर छाप धरे, प्रजापत ज्वाला रानी धर्म सिंध कल्याणी। पोले पाठ खालसा जी। अत सुंदर शब धरे प्रजापत ज्वाला रानी। हां जी, बानी रानी ये पाठ इसे तरह ही भाषा ना शुद्ध है, पुला ही उच्चारण करना। जो पानी संग पानी इंज नहीं, पानी संग पानी इस तरह ही पुला ही पाठ दुरुस्त रहिंदा है जी। धर्म सिंध कल्याण सुधागत माया करनी, एक दृष्ट भाव तरत जास गत ऊनव तरनी, कला धर सब मध्य राजत गाजत केहर साम, नूपर चरण अपार धुन सुनियत भाजै सो जाम, दोहा सोरठा सब किश तुमरे हाथ जिस देवे सो पावही, श्री नाथा के नाथ माया चरण त्यावही, दया रूप भगवंत दरिद्र निवारण सुख करन, मंगल रूप अनंत आपद विनाशन जय करन, लोक चतुर दस नाथ रमा राव सब जगत की दीना नाथ अनाथ। हां जी, ये दीना नाथ कठा ही है शब्द हजारे पातशाही दसवीं पढ़िए ते उहदे विच दीना नाथ कठा है, अर्थ भी कठे दा ही है, गरीबां दा मालक, इसलिए कठा पाठ रखिया जावेगा जी। दीना नाथ अनाथ माया करो इस पत तकी, मैं तर ओट ना और पए द्वार माया हरी, दूसर ना ही ठौर किसको जाचो नर हरी, हर हो दीन अपदा हरी मेहर उपावहो दुख हरो, माया करो इस पतत पार मंगल कर अपदा हरो, दरिद्र सागर मह डूबते हे माया जगतात, तुच्छ बात तुम निकट है गह पुज लेहो रघुनाथ, कर्महीन मतहीन हो अल्प बुद्ध मत थोर, महापतत दुखिया अधिक चितवो अपनी ओर, मेहर नजर की फजर से। हां जी हां जी, चले चलो
मेहर नजर की फजर से चितवह दीन दयाल। हाँ जी ये मेहर नजर की फजल से फजल फजल बिंदी लाल बिंदी लेना अर्थ मुताबिक तो ठीक है पर जो आत्मा रहिदा पाठ करिए तो ओ पैरां विच किते बिंदी नहीं मिलती ना दसम जी दे जो पुराने लाहौर वाले सरूप ने जां मैरों वाले ने जां सचखंड वाले ने जां हथ लिखत ने उन्हां दे पैरां विच वी बिंदी नहीं मिलती और अर्थ वास्ते बिंदी जरूर है पर पाठ वास्ते बिंदी नहीं। फजल जिवें संप्रदावां विच पाठ बिंदी तो बिना ही पढ़िया जांदा है जी। मेहर नजर की फजल से नजर सीधा ही पाठ कर दे। मेहर नजर की फजल से चितवह दीन दयाल मीन तप्त जल देह कार हर करुणा निध गोपाल कृपा सिंध संकट हरन कल्प ब्रिछ जिह शाह सिद्ध रूप अनहद शब्द सिद्ध रूप अनहद शब्द। हाँ जी ये शब्द ही बोल दिया करो बिंदी चरणा दी भावे लगी भी है पर अर्थ वास्ते रख लो उच्चारण वास्ते पाठ सीधा ही कर लिया जावे ये समझ लेना कि ये अर्थ वास्ते ही ने भाषा वास्ते पर पैरां विच है नहीं है हथ लिखत विच बिंदी है नहीं है जी हथ लिखत विच बिंदी किते आ नहीं रही अर्थ वास्ते लगियां हुईयां ने हरनामदास उदासी जी ने लगाईयां उन्हां दे किंतु भी नहीं करना पर इन्हां दा पाठ भी नहीं कीता जावेगा अर्थ दे वास्ते रहन दिओ जी। सिद्ध रूप अनहद शब्द जिह सम दूसर नाह चारनी दोहरा श्री माया जग मोहनी निह कलंक जिह रूप तीन लोक बंदत चरण ब्रह्मा बिसन अनूप बिसन पाद सारंग छपै। हां जी ये जेड़ा छपै वाना ये जेड़ियां पोथियां ने इन्हां दे विच डंडे नहीं है किसी पोथी विच देखो जे ना होण ते छपै तो अगे डंडे लगा लो बाबा जी आप जी दी पोथी च डंडे है छपै तो अगे है नहीं स्वरूप बुढ़े दलाले ओदे विच भी है हथ लिखता च भी हैगे डंडे हथ लिखता च भी डंडे चाहिदे है इथे पेन ना ला लो हथ लिखता विच डंडे है डंडे लगा लो कि रह गए ने। शेष सहस फन रटत तद्यप तुम अंत न पावत नेत नेत सब कहत वेद सोर नर मोन त्यावत। हां जी ये नेत नेत सब कहत वेद चाल दे नाल पा जेड़ा विश्राम है वो वेद ते लगेगा अर्थ वास्ते कहत ते ठीक है दोनों विश्राम ही ठीक ने जिन्हें ज्ञानी जी ने लगाया उसे तरह ही कर लो जी। चित चिंता नह चित चिंता नर हरत माए इच्छा पूरन जग कलमल आग सब हरत मुख मंडल नवतन शब मुख मंडल नवतन शब कवल नैन सो नृपण नृपत काट केहर मृग लोचनी कदल सो जंग आ जान बाहो कदल सो जंग आ जान बाहो प्रजापाल दुख मोचनी। हाँ जी ये प्रजापाल पाठ कठा है जेड़े महापुरुखा ने सटीक छापे है ना उन्हां दे विच प्रजापाल पाठ कठा ही है। हाँ जी ये कारण की होया पाठ वखरे किवें होए जदों आपां टाइपिंग कराउणे है ना ते टाइपिंग दे विच जदों डंडा विच दवा लैणे है ना तो उपरों पाठ कठा नहीं रहिंदा उचारण वास्ते डंडा लगा देंदे ने भी कोई होर तरह उचारण ना करे प्रजा पाल देखो तुहाडियां बीड़ां विच डंडे लगे ने जिहड़े स्टीक हैगे ने उह फिर दूजा जिहनूं छापे विच आया मूल पाठ भी तो वखरा ही रह गया महापुरखां दे आशे मुताबक देखो डंडे भी लगे ने और ये पाठ कट्ठा भी है जिहड़े स्टीक ने मूल पाठां विच डंडे है नहीं उंज पढ़िया ते प्रजा पाल ही जावेगा पर अर्थ वास्ते ज्ञानी सिंह समझ लैन पाठ विच कोई इहदे विच नहीं हैगा पाठ बिल्कुल ठीक हैगा जी। कदल सो जंग आ जान बाहो प्रजापाल दुख मोचनी बड़ा दोहरा
है चतुर्बाहो अष्टाकरी, है चतुर्बाहो अष्टाकरी, अष्टाकरी। हाँ जी, ये अष्टा जिवें बिंदियां है ना जी, ये बस लगियां रहन दियो, पर उच्चारण विच सिद्धा ही करो, हाथ लिखता विच है नहीं है बिंदियां जी। है चतुर्बाहो अष्टाकरी नार सिंह जय को। हाँ जी, नार सिंह भी अवतार है, पाठ कट्ठा ही है जी, ये अवतार दा नाम है। ये ज्ञानी सिंह अपने ध्यान विच रख लैन, ये ज्ञानी सिंह वास्ते है लोड़ीदियां चीजां। नार सिंह जह के भेस प्रहलाद उबार्यो दुख हरियो, हर नाखस हरियो नरेस इंदर दोहरा, मुक्त देन मंगल करन छेम करन हर राय, स्रोत बचनी स्रोत करन हर सब को करो सहाय। हाँ जी, मंगल करन हर राय, जिथे भी आने कठे समझ लेने हैं, पाठ कठा ही है जी। विसन पाद गौरी छेम करन इच्छ पुजन। हाँ जी, ये जदों आपां उचारण करना है ना, ये पूजन अदक ना ही करना है, इच्छा नूं पूरियां करन वाला इस तरह इहदा उचारण। हाँ जी, गौरी ते डंडे नहीं है, कई बीड़ां विच डंडे लगा ले जान, पुरातन बीड़ां विच भी हैगे ने डंडे, और ये लगा ले जान। छेम करन इच्छ पूजन अमर धन ब्रित मही धर, रक्ष करन पै हरन सदा जय धर्म धनर धर, माया नाम अपार जगत मह प्रगट पवानी संकट दरिद्र अपदा हरन पीर त्रै लोक पछानी। हाँ जी बाबा जी, वड्डे पीर शुरू विच किवें आ पाठ है जी? हाँ जी, ये पाठ किवें है जी आप दी पीर विच? संकट दरिद्र अपदा हरन, अपदा हरन पीर त्रै लोक पछाने। हाँ, वड्डे पीर विच भी है जी, हाथ लिखत विच आया जी, हाथ विच भी आया जी। हाँ जी, शहीदी बाग वाली भीड़ विच भी आया जी, तो जो 1755 ईस्वी की भीड़ है हाथ लिखत, ओहदे विच भी आ गया जी। माता भागो जी वाली भीड़ विच भी हैगा, और थले भी लिखिया होया सटीकां दे, देख लो पीर त्रै लोक पछानी, अर्थ भी सीधा हो गया, आप जी ने त्रै तिना लोकां दी पीर पीरां नूं पछाणिया है, पीड़ां नूं पछाणिया है, पीर लिख लिया, पीर पाठ लिख लिया जावे, ये शुद्ध हो गया जी पाठ। दीनानाथ सनाथ सबन प्रतपाल करैया जग बंधन पै हरन माए दूध पूत दिवैया। हाँ जी, दूध पूत ही ठीक है, दूध गौणी पाठ है जी, दूध मुख पाठ है। माए दूध पूत दिवैया मन बांशत फल देत, बिरद की लाज रखैया दीनन की प्रतपाल, धर्म व्रत अपद मिटैया। कई उच्चारण करने वाले सिंह दखया रवैया ऐसा भी पाठ हुंदा है, इत्थे आपां ख्याल रखना। जदि ये जिन्हां महापुरशां ने हरनामदास जी ने जिहड़े महापुरश जाणदे, इहदा मतलब हुंदा जो उपर अधिक लग्गा ना, इहदा मतलब डबल अक्खर डबल हो जांदा, दो अक्खर हो जांदे। तां करके कई बार विचार चलदी वी इत्थे दवैया बोलिया किवें जाएगा, दवैया लिखिया होया, जदों आपां अधिक उत्तर लाया ना, अधिक दा मतलब दो जाइए, संस्कृत का शब्द है दवैया मटैया साहब, ये दो जइए हो जाते, ता करके दवैया उचैया, दवैया उचाया उच्चारण नहीं होगा। हाँ जी, संत जी देखो गुरबाणी का भी वचन है, एक पिता एक सके हम बारक, सो सारे आप एक मालिक दे सुपुत्र है, उही पिता है, और वक् वक् भाषावां भी ये वक्ो वक्रे भरावान दियां बोलियां तो चलिया ने। फारसी विच भी तशदीद हुंदा, तो तशदीद भी दोहरा अखर करता, जिमें अगे फारसी चलेगी उत्थे लिखिया होना है पप्पा ते उत्ते अदक ते रारे नूं करना, उहदा उचारण पर्रा इस तरह ही करते ने, क्यों जिहड़ा उपर अदक है उहने रारा डबल करना है, उह इस तरीके नाल महापुरखां ने यही निजम रखिया है। हथ लिखतां विच भावें दो रारे लिखे ने, पर महापुरखां ने वह अदक लिख के बाबा संता सिंह साहब जी ने वह फारसी वाला निजम विच रखिया है। तो इस तरह संस्कृत विच भी दो जइए हो जाते हैं, और ये फारसी का निजम भी है, ये दोनों निजम ठीक है। पाठ की प्रोढ़ता महापुरुखों ने बहुत ज्यादा सोहना की है जी।
इंद्र सोरठा माया अशाल अपार मोश करन संकट हरन बिदना सकल संसार रिजक देन इच्छा पूजन। हाँ ये भी पूजन ही कर लिया जावे। रिजक देन इच्छा पूजन रसाल दोहरा सुखद देन सुखद देन। हाँ जी पाठ सुखद देन भी बड़े स्वरूप विच लिख दिता गया पर यो गौणी दुआ पाठ है सुखद देन मुख पाठ है सुख ददेन। बाबा संता सिंह साहब जी ने यो पाठ मुख किया है इसे पाठ नु मुख रखना है जी। सुखद देन ना सुखद देन पाठ सुखद देन अनहद करन जय जय मंगल रूप अविनाशी अब चल सदा बिघना ब्रह्म स्वरूप द्रव्य उपावन के नमित सिमरो श्री जगमाय आदि अंत रक्षा करन सबको करो सहाय अगम रूप माया हरी परम सिद्ध की खान कुमाते बिनासन जय करन दाता सगल जहान दुख निवारण अग हरन दीन दयाल कृपाल शरण परे की राखती दाता सगल गोपाल श्री नारायण जगत पेत भव खंडन जग मात सृष्टो पावन जग करन प्रत पाले दिन रात कृतार्थ मंगल करन कृपा निध करतार मंगल करन। हाँ जी ये पाठ कठा समझ लेना जी। कृतार्थ मंगल करन करुणा निध करतार। हाँ जी ये करुणा रारी रा अंकड़ भी ज्ञानी जी उच्चारण कर दे करु करुणा निध कृतार्थ मंगल करन करुणा निध करतार काल रच तारन प्रभु माया रूप मुरार मदर तोने शांद दोहरा बिदना सकल संसार की। हाँ जी ये पाठ कई बीड़ा विच बदना लिखिया है इत्थे आना देखो जी पाठ कईआं विच बदना है इत्थे बिदना कर लिया जावे। बबे नू सिहारी ब्रह्मे दा नाम है। बाबा जी आप जी दी पोथी विच है सिहारी सिहारी बिदना नू जी। हाँ जी कईआं विच है नहीं है पा ली जावे जी। बिदना सकल संसार की सिरजा धरन आकाश चंद सूरज दोए दीवड़ा कीने बिबद प्रकाश ब्रह्मा बिशन उपाय कै कीनी सकत पसार कोट ते तीसा सुर पए नाले इंद्र भूआर सुर नर मोने गंधर्व रचे जाख किन्नर गान प्रेत असुर प्रबल दानो विकट राहो नक्षत्र गृहेत सब शपै छंद सपत सिंध सपत दीप सपत सिंध सत दीप खंड नव खंड बनायो। पाठ सत पाठ शुद्ध कर लो। सपत सिंध सत दीप। हां जी एक मिनट। हां जी कर लो सत। हां जी ठीक है। सपत सपत सिंध सत दीप पाठ ही है। हां जी आप जी दे सत ही है जी। हां जी ओ भीड़ विच जी सपत सिंध सपत दीप ਦੋਈ ਥਾਈ ਸਬਦ ਹੀ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਬਦ ਪਾਠ ਸਬਦ ਠੀਕ ਸਬਦ ਸਿੰਧ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮੇਰੇ ਪਾਠ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਬੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤੂਆਣੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਮਸਤੂਆਣੀ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ ਸਬਦ ਸਿੰਧ ਸਬਦ ਦੀਪ ਸਬਦ ਹੀ ਹੈ ਪਾਠ ਜੀ ਸਬਦ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਠ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰਣਾ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਪਤ ਸਿੰਧ ਸਪਤ ਦੀਪ ਖੰਡ ਨਵ ਖੰਡ ਬਣਾਇਓ ਖੰਡ ਨਵ ਖੰਡ ਬਣਾਇਓ ਨਵ ਖੰਡ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧ ਸਪਤ ਦੀਪ ਖੰਡ ਨਵ ਖੰਡ ਬਣਾਇਓ ਜਲ ਥਲ ਪਰਬਤ ਕਣਕ ਮੇਰ ਹਿਮ ਭੂਮ ਰਚਾਇਓ
पासो पंछी जाल जीव अनल गगनंतर कीना अंडज जेरज सेतज उत्पुज प्रगट सो कीना नरक सुरग चह जोग बने रातर दिन सो पाल मास पवन पानी बै संतरो ठाकुर महाराज जी पानी पाठ पोले उच्चारण करना पानी नहीं पानी पवन पानी बै संतरो ठाकुर चेरो दास। हां जी कई पीड़ा विच पाठ चारो भी लिखिया है जिवें ओ वड्डे बुढ़े दल दी पीड़ विच पाठ चारो है तो इसलिए ओ पाठ गाउणी है मुख पाठ महापुरखां वल्लों जो चेरो ही कीता गया है जी। दोहरा दुख सुख दुए कपरे बने मनुख का व्यवहार धर्म पाप साखी भदो धर्म पाप साखी दो बिदना ठट्यो अपार कनक दोहरा जात जात रचना भई सब मह आप खिलंत नीच ऊच मह आप हार बिरला कोए बुझंत राव रंक प्रजा भई ग्राम नगर सब देश भूप छत्र पात तेज बार सूरे जोध नरेश खत्री ब्राह्मण सूद वैस चार वर्ण की खान माया सुपन सुखोपति पुन्य दान इसनान पुन्य दान इसनान पुन्य दान जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया तां पुन्न ऐसा उच्चारण करना नाल जइया भी लग्या होया पुन्य दान इसनान। हां जी अदक ला ली दी है जिथे टिप्पी ना होवे उथे अदक तो कम ला ली दा है जी। बलि तपी जोगी किए जटा जूट नाख धार ग्रही जति जापी होए नाना बेद बैपार सुर नर मोने देवी बने आप बने अवतार रतन दाल हीरा मुकत कंचन रूप सुधार सब मह तुही निरंजना उन्नी ठौर न कोय घाटे घाटे उन्नी यानी जी थोड़ा पोले उचार उनी उनी सब मह तुही निरंजना ऊनी ठौर ना कोए घट घट मह बिचरे प्रभु ना कोए हुआ ना होए रहाओ चार वेद खट अष्ट दास अष्ट 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 चार वेद खट अष्ट दास बिदना राच विस्थार तीन लोक रचना पही करता सृजनहार तुम बिन सरे न एक शेन तुम सब जीयन प्राण तुम करता सब जगत की तुम ही ते सब मान रहाओ कर्म धर्म सोच नेम जाप खाट कर्मन की रीत सन्यासी पुन्य स्रोत पुन पोला ही सन्यासी पुन स्रोत धोन नाट नाटक संगीत नाट नाटक संगीत जंतर मंत्र तंत्रन पही थित वार रोत मास रस कस भोजन बिंजन दुग्ध खीर जग रास नेकी बदी खुशिया कनी जोग भोग की खान। हाँ जी पाठ कई पीड़ा विच नेक बद इस तरह सिहारियां नाल भी हैगा तो नेकी बदी पाठ इसे तरह कर लिया जावे नेकी बदी ठीक। हाँ जी पुरातन पीड़ा विच भी नेकी बदी ही पाठ है। हाँ जी खुशिया कनी खुशिया अड़े नू करना है जी प्रार्थना विच किते छुट गया पाठ खुशिया कनी ला लो नेकी बदी खुशिया कनी जोग भोग की खान रिद्ध सिद्ध चिंता सकल जी अजंत प्रमाण। हाँ जी ये खुशिया पाठ प्रार्थना पीड़ा विच है जी करना अड़े नू हाथ लिखता विच है जी खुशियां हां जी आ जाओ
ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਔਕੜ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਆਰੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਚਾਕੂ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਏ ਆ ਕੇ ਬੀੜਾਂ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਨੀ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆ ਘਨੀ ਜੋਗ ਭੋਗ ਕੀ ਖਾਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਕਲ ਜੀ ਅਜੰਤ।